अब लगेगा तमाशा हेलो वेलकम बैक टू आर चैनल ए के बज और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज आप देख रहे हैं तमाशा का मैं अभी भी नींद में हूँ <laughs> <laughs> ये डालनी <नहीं> है <laughs> कर लो कुछ नहीं होता तमाशा का तमाशा कर रहे हैं हम अच्छा। असल में ना आज मेरी भी तबीयत खराब है लाइट लाइट सी सुबह से बढ़ती मुझे कुछ चार पाँच सौ छिकिया आई हाँ तो मैं फ्लू हो गया और सो नहीं पाए उनकी लाइट थी नहीं थी रात को हाँ। सुबह तक लाइट नहीं थी एक्चुअली तो भी सो नहीं पाए नहीं बस... एक तो मैं बेवकूफी मैं इधर टीवी टीवी लाऊर तो ना उधर कमरे में मुझे गर्मी लग रही थी तो मेरे पास ना एक पोर्टेबल पंखा है ठीक है मुझे यूपीएस को लाइक कर

मेरी खुली फिर बजे लाइट गई थी सुबह ओके okay. फिर मुझे कॉल आई मैं मैं भी मैं अच्छा मेरे साथ भी पहली दफा ऐसे हुआ है इस तरह कि मैंने सोचा कि मैं साढ़े नौ बजे उठूंगा चीजें वगैरह देखूंगा और फिर हम कर लेंगे शो अच्छा मैं ना नौ बज के पैंतीस मिनट पे आँख खुली है मैंने कहा दस मिनट के लिए जैसे होता नहीं आपने कहीं जाना हो मेरे दस मिनट के लिए और मैंने कहा दस मिनट के लिए सो जाता हूँ और दस मिनट बाद मेरी आँख खुली तो आप अंदाजा लगाए पौने बारह हो चुके थे

कि विनर वाली क्वालिटी दानिश में है मैंने कहा वो टास्क अच्छे करता है और हर टास्क में तो उसने कहा तो टास्क ही करता है और क्या करता है घर में किसी जगह पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी ग्रुप का वो हिस्सा नहीं है किसी बात पे वो स्टैंड नहीं लेता अवल तो उसके साथ कोई गलत करता ही नहीं है तो वो स्टैंड किस चीज़ के लेकिन किसी और के साथ कुछ हो रहा हो तो वो तो बोलता ही नहीं है वो अपने कोई से नहीं है उसकी अपनी कोई इस तरह का जो शो का फॉर्मेट होता है उसमें तो आपकी से होना स्ट्रॉग ओपिनियन होना बड़ा ज़रूरी है तो दानिश के पास तो वो नहीं है तो फिर मैं लाजवाब हो गया जी उसने कहा और बताओ मैंने कहा नेहा

वो ग्लूटेन इंटॉलरेंट है ना हाँ। तो शायद वो अनाज नहीं खाती है तो इस वजह से शायद उनको ज्यादा वो मसला होता और हो, है और <laughs> ये दिस इज सीरियस इशू व्हाई यू आर लाफिंग अच्छा नहीं आई डोंट थिंक सो ये इशू है हो सकता है नहीं ग्लूटेन ना खा ग्लूटेन इंटोलेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप फिर कुछ भी ना खाएं नहीं नहीं ऑब्वियसली आप हाँ। मैदा आटा वगैरह इस तरह की चीजें नहीं खा सकते हैं हाँ। और वो भी खा लेते हैं आप लेकिन आपका पेट खराब हो जाता है बेसिकली अगर... नहीं आटे आ, मिलते हैं ना ऐसा जिसमें फाइबर ज्यादा हो ग्लूटेन फ्री आटा फ्री आटा मिलता है जी तो वो है मेरे ख्याल में नेहा लेकिन उसने बेचारे ने खाया नहीं ना हुआ था मसला ये भूख भूख तो बड़ा कुछ करवाती है आप बट नेहा में मसला ये है कि शी इज नॉट विनर इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है मसला ये इंटेलिजेंट भी नहीं है दूसरा इसमें एक और फैक्टर हम इग्नोर कर रहे हैं कि बंदे की फैन फॉलोइंग किस किस तरह की होनी चाहिए तो फैन फॉलोइंग हाँ। के हिसाब से दिक्कत हो तो अरूबा आ, इस अरूबा या जुनेद में से कोई को जीतना चाहिए बिकॉज इससे ज्यादा ह्यूज फैन फॉलोइंग तो नहीं है जो ड्रामों में सोप सीरियल में जो लोग आते हैं या ड्रामों में जो लोग आते हैं

लोग कह रहे हैं हम कर देंगे तमाशा का ए आर का हाँ क्या कर लेंगे बाइकआउट कर देंगे कुछ भी नहीं उनका क्या उखाड़ लेंगे, लेंगे क्या उखाड़ लेंगे क्या उखाड़ लेंगे कहे हाँ, आप हाँ, हाँ, और नताशा मे बी नताशा मुझे लगता है हाँ नताशा नताशा में वो देंगे? सारी क्वालिटीज हैं जो श्वेता तिवारी में थी जो कि विनर विनर थी ना श्वेता तिवारी ठीक है वही क्वालिटीज हैं जो गोहर खान में थी गोहर खान तो नहीं विनर थी मेरे ख्याल में गोहर खान भी विनर थी गो... क्या हो देखो सारी <laughs> हाँ। हाँ। uh, करती लेकिन श्रद्धा तिवारी से मिलती जुलती है नताशा। नताशा किसी से नहीं मिलती <laughs> आपसे मिलती जुलती है बट मुझे लगता है नताशा जो है ना उसमें सारी क्वालिटीज वो है जो एक विनर में इस तरह के फॉर्मेट के शो में हो सकती है

किस उम्र पे हम अभी डि विनर डिस्कस अच्छा हाँ, उम्र उमर तो मेरे लिए मैंने आपको कही दफा बताया उसमें कोई विनर क्वालिटी हाँ, नहीं है सॉरी आप ये देखें कि इन अभी कितने कहा कौन सा दिन है हमारा पैंतीसवा छत्तीसवा पैतीस दिन बता दे भाई उनकी एक लड़ाई हुई थी जो अंबर और नेहा के साथ हुई थी वो भी उनका अपना कुछ नहीं था वो भी उनका अपना कुछ नहीं था और हमारे पास देन दैट ये मैं अच्छा एक और मसला ये कि हम ये नहीं कह रहे कि हम लड़ाइयों के बेसिस पे

नहीं नहीं लड़कियां तीन रह गई हैं लड़के चार हैं लड़कियां नताशा आपने रूबा को क्या लड़का समझा हुआ मिशेल थी ना अभी एपिसोड तक हमारे साथ मिशेल है हाँ, हाँ, अच्छा <laughs> अच्छा ओके पैंतीसवीं okay, तक तो फिर तो चार लड़कियां है ना जी चलो <laughs> और लड़के पांच क्यों दानिश हाँ, जुनेदान हाँ, हाँ, उमर हाँ, जी, लड़के पांच जानबूझ के तुमने तुमने बोला है। मैं अगर काउंट ना काउंट कर ना कराता तो उसको करवा लेना था पैंतीस जी, हाँ जी वही टास्क हमारा पिछला जा रहा है चौतीसवें दिन से वजन बरकरार बैठा हुआ दूसरा बंदा बैठा हुआ उन्होंने ऐसे ऐसे करना सॉरी

तो बेचारे अपना लेके रह गए बेचारे कहते सुबह सुबह बट वो टास्क आप नहीं इस तरह से कर सकते उसमें भी मुझे उनकी वो नजर आई कि वो अपनी वजारत का फायदा उठा रही है वजारत का भी फायदा उठा रही थी और वो क्योंकि वो जब उनसे पूछते थे तो वो बेचारे डर डर के हाँ, पूछते थे वो किस तरह से पूछा ये जो मिस यूज ऑफ पावर है ना इस वजह से मुझे नताशा इस दो एपिसोड में नहीं पसंद आई हाँ, इन इस एपिसोर्ट दो एपिसोड क्या मुझे पूरे वीक में पसंद नहीं है उन्होंने अपनी वजारत का मिस किया है हाँ, हाँ। आप आ, 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 फिजान से दुश्मनी फिजान गैंग से दुश्मनी असाइड बट नताशा ने अपनी वजारत का मिस किया हर किसी से हर किसी, हर किसी से और इनफैक्ट इनफैक्ट तमाशा घर के लिए भी बहुत ज्यादा ठीक है चीजें हो दो मचीन, हाँ, हाँ, करना करना हाँ, चार जैसे गुजार दो इस औरत के मुंह हाँ, हाँ, नहीं लगना ठीक है नही तो ये फिर आ, अपनी आई पे आ जाती है ठीक है सात बजे बादशाह ने कहा सबके लिए नाश्ता भेज रहा हूँ ठीक है साढ़े बजे एक गाना चला आज हम कहा हम तुम कहाँ है हम कहा पता नहीं क्या आज

चलती रहती हैं चीजें आपको पता नेहा है नेहा बस ये करती हैं और एक लो, एक बंदा मुझे कभी किसी समझ नहीं आती की कुछ चीजें बड़ी ऑब्वियस नहीं होती हाँ। के जी आप अगर उठ गए हैं बजर बढ़ गया लाइट बज गई है लाइट गाना चल गया तो उसका मतलब आपका सोने वाला रूल खत्म हो गया है वो बार बार उठा रही है उन्हें वो उठनी थी हाँ वो बार बार बजर बजने लग जाता है ठीक है ठीक है जी फिर नताशा ने कहा कि सुबह का गाना चल गया टास्क खत्म है हाँ. जिस पे जो लोग बैठे हुए थे जो लोग टास्क कर रहे थे उन्होंने कहा नहीं अभी बादशाह ने कुछ बताया नहीं इसके बारे में एम्बिग्यूटी है तकरीबन दो तीन घंटे ये एम्बिग्यूटी में गुजर गए ना कि सुबह बादशाह ने कहा था सुबह तक टास्क चलेगा और कोई कह रहा था कि जब तक बादशाह आएंगे नहीं तब तक टास्क चलता रहेगा कोई कुछ कहता रहा कोई कुछ कहता रहा प्रॉब्लम जो बार -बार बार बार जितनी हिम्मत है वो उतना कर ले हाँ। उसके बाद खत्म मतलब जाए। क्योंकि टास्क में ये भी था ना कि बैलेंस अगर आउट होता है तो वो एक बजर बजेगा जिस वजह से वो पैसे कट जाए तो कहती है आप जो है ना जिसकी जितनी जितनी हिम्मत है वो करता जाए हटता जाए मतलब

और नेहा बैठ रही थी तो नेहा वाली साइड मिशाल वाली साइड पे उन्होंने उनको वजन रखना पड़ता था तो इस तरह अच्छा अच्छा से टाइम पे आपने देखा जुनेद ने वो संभासा हाँ हाँ जुनेद ने संभाला जुनेद ने जुनेर ने अली सिकंदर ने फिर भी संभाला रहाने को भी मैंने देखा संभालते हुए फिजान को भी देखा उमर को भी देखा जुने नजर नहीं आया संभालते हुए अगर शायद देख आया हो लेकिन मैंने उसको बड़ा हाइलाइटेड नजर नहीं आया पांच बज के पांच मिनट पे बादशाह आ गए उन्होंने सबको उतार दिया उधर से तराजू से टास्क खत्म हो गया बादशाह ने कहा फिजान हैप्पी बर्थडे टू टू हाँ। ठीक है हैप्पी बर्थडे टू टू वाह

वो आ गई उन्होंने कहा आते ही उन्होंने कौस्टे कहा मेरी भाभी तो हाँ कॉन्स्टेबल रुकैया फ्रॉम ड्रामा सीरियल ए, एक थ्रिलर एक थ्रिलर एंड हाँ, अंबर फ्रॉम ड्रामा सीरियल कोयल <laughs> <laughs> हाँ एक्सप्रेस की बड़ी फेवरेट है माहम ठीक है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पिक्चर आ जाती होती है अच्छा जी उन्होंने कहा कि नताशा को आते ही कहा कि नताशा मेरी भाभी तो आपकी बहुत बड़ी फैन है ठीक है तो की हुजला, की उन्होंने ठीक है छह बज के पंद्रह जो है ऐसे रोने फूटे कंगना जमुना में बाढ़ हाँ। आ गई लेकिन इधर क्यों नहीं रोना आया जब अपनी बेटी और बीवी आई है बाद में रोने लग गया था ना जब वो गए थे तब बड़ा रोया था आपने देखा नहीं वो तब नहीं तब एक्टिंग का मार्जिन था

हाँ। क्लिप था हाँ। तो वो जी बेटी 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 बेटी, बेटी। आप वो पूरा एपिसोड उसमें अपनी बेटी को घास ही नहीं डाल मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि क्योंकि चुगरिया करनी थी बीवी के साथ अच्छा अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसके इमोशंस के ऊपर मैं मैं कोई बात कर रहा हूँ कि आप किसी इज कि उसको याद नहीं आई भाई लेकिन आप एपिसोड वन से दिखा रहे हैं कि वो रो रहे हैं किसी की भी बेटी की घर से किसी की कॉल आ रही है कुछ और फूट फूट के रो रहे हैं इधर फूट फूट के क्यों नहीं सो so, uh, ना बनाए हमें चे हमें भी पता है हम भी अगर बाहर जाएंगे इतने कोई हमें भी याद आएगी आएगी याद ऐसी याद नहीं आएगी कि बर्बादी हो जाए और फिर जब रियल में कोई आए तो फिर आप ठीक है नहीं हाँ याद हाँ, आ सकती हाँ, है आई एम नॉट लेकिन वो बहुत फेक थी जैसे आप अली सिकंदर का देखते हो ना रोना वो आपको सही लग ठीक लगता है ठीक है जब आप रानी का और जुनेद का और फिजान का देखते हो अब मसला यही बेचारे आते हैं कि ग्रुप में

नो फासला रखे इससे फिर हमने देखा कि फासला था आ, आ, ये गलत चीज है कि जब बाहर से आया कोई भी इंसान अंदर वाले को हर वो बात बता रहा है हाँ, जो बाहर हो हाँ, रहा है तो फिर गेम ना ना हाँ, हाँ, हाँ। इस तरह फिर स्प्लिट्स विला टाइप आपके करें? वैसे कह दें कि यार आपकी तारीफ हो रही है या ये आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ऐसे ना करो वैसे ना करो जो सब देखते हैं वो होता है जो नहीं देखते उस तरह की जो चीजें नजर आती हैं वो नहीं होती कभी कभी जो नहीं नजर आती वो होती हैं इस तरह की पहेलियां बुजवा रही थी

शूट करने के बाद आपने पब्लिश पप कर दिए अपने चैनल्स पे फिर आवाम के जो वो आएंगे ना फीडबैक हाँ। उसमें वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी कंटेस्टेंट की अब जैसे ये लाइव चल रहा है ना हाँ। तो कंटेस्टेंट को फीडबैक लाइव लाइव पहुंच गया उन तीस दिनों में ये है कि वो जो एक्ट कर रहे होंगे वही है अच्छा मतलब आप कि एंड पे जाके एंड ग्रैंड फिनाले वाले दिन जो है वोटिंग करा लें वट डू यू थिंक

नहीं, हो सकता है वो कजन मैरिज हो उनकी I don't आपको know, क्या पता हूँ राबिया कुलसुम तो देख रही है ना बचपन से अपने भाई को खैर तो राबिया कुलसुम इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आलू छीने गए अरसलान हम इस चीज को बार हाँ आइसक्रीम फ्रिज से, से बार 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 उठा उठा के फेंकी गई इसको कैसे करेंगी वो कौन सी साइड है फैजान की जो पूरी दुनिया जानती है नहीं ये कौन सी एक्साइट है जो पूरी दुनिया इफ्जान की नहीं जानती उन्होंने कहा कि आप पॉजिटिव रहें हां पॉजिटिव होने की कोशिश करें हां और अपनी दिखाने की दिखाने की कोशिश करें <laughs> यही बात है एक्ट करें एक्ट करें हां चले उन्होंने कहा अली और नताशा नताशा नहीं। नहीं। और अली भाई बहुत अच्छे हैं उनसे ही जरा नीड नीडे रहना ठीक है हम्म नहीं 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 ऐसे ना कहे आपने मुझे रोका ना कि आपने क्यों बोला है कि नताशा अली उसने उसकी बीवी ने एक दफा नहीं दस दफा बोला है हाँ, हाँ उन्होंने कहा है उन्होंने कहा है इस चीज पे एम्फसाइज रहा है अली भाई बहुत हाँ, अच्छे हैं हाँ, हाँ। नताशा बहुत अच्छे इशारे भी बहुत किए हाँ, भाई उन्होंने इस तरह के नहीं किए लेकिन इम्प्रोवाइज किया थोड़ा सा मैंने ये थोड़ा सा नहीं था तो फिर मैं क्या करूं यार ठीक <laughs> है <laughs> <laughs> अच्छा फिर ये हुआ चाय बन रही थी चाय माहम के लिए तो उधर से मुझे लगा कि यहाँ पे इनकी शुरू हो जाइए नाशा की और नेहा की यहाँ से शुरू हुई नेहा ने कहा कि आप फैजान को भी चाय दे दे नेहा ने नताश ने कहा कि वो पी चुके हैं अपने हिस्से के उनके लिए मैं नहीं बनाऊंगी नेहा ने कहा मेरे हिस्से की चाय भी आप चाहे फिजान को दे तो दें कि बीवी आई हुई है अच्छा नहीं लगता यहाँ पे भी इनकी थोड़ी सी हुई निताशा ने मैं नहीं दूंगी उसको चाय फिर सिर्फ महा हमको चाय दी गई बगैर चीनी के क्योंकि वो चीनी नहीं पीती हाँ ठीक है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो चीनी नहीं पीती ये कोई बुलबुले का शूट नहीं हो रहा आज यहाँ पे ठीक <laughs> है मेरी बात सुनो मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं कि वो जो कप वाला स्टोरी है उसके बारे में बात करो तुम सारे नहीं के, फिजान को चाय देनी चाहिए थी नहीं देनी चाहिए थी हाँ, उसकी वाईफाई भी है थोड़ा सा तो प्रिविलेज दे क्यों? उसकी वजह से सबको केक मिला है केक क्यों बाबा उसकी वजह क्या है उसकी बर्थडे है यार थोड़ा सा स्पेशल फील करवा दें तो केक आया तो है अच्छा भाई ठीक है थ्री मिल केक गरीबों ये सुना था तुमने नहीं, है, नहीं ये नहीं ये फिजान जब केक लेके आए तो ना कहा थ्री मिल केक गरीबों हाय कितनी गलत बात है कितनी गलत बात है घटिया बात है मैं तुम्हें दे दूंगा ये लिक, प्लीज लिक, ये, लिक। ये ये जुबैर को भेज देना हा, हाँ हाँ हा। थ्री मिल केक गरीब गरीबों थ्री मिल अब बताएं विलन एडिट के विच साइड उन्होंने फनी बिकनी शूट फनी बिशूट बिकनी शूट बिशूट खैर वो उन्होंने फन वे में कहा होगा यू नो बट फन वे में भी जो आप अल्फाजों का चुनाव करते हैं आपको <laughs> पता लग जाता है अगले बंदे का खैर इंटेलिजेंट हैं समझदार बंदे हैं उनको नहीं पता ये थोड़ी चीप बात है कि गरीबों थ्री मिल्क एक पता नहीं केड़ा ऐसे <laughs> नहीं हाँ। अच्छा जी छह बजे नहीं उधर आए ना सर वापिस आए उधर हाँ। चाहे मेरे, मेरे नजदीक नताशा वाज राइट तो जब उसने कहा दे दो दे दो किसकी नेहा ने कहा मेरे ही की दे दो तो ये क्या हो? मतलब ये उसको बार बार उसको समझाना पड़ेगा बेटा, अपनी गेम खेलो। हाँ। वैसे कुछ दिनों से मुझे लग रहा था लो है मुझे लगता है हड़बड़ा गई है ना उनको बोंदर गई है उनकी पर्सनलिटी में शिफ्ट आया है

बर्फ हो गई होगी ये हाँ ये अच्छा तो ख़ैर हाँ जी। चलो कोई नहीं अच्छा फिर बार दो घंटे और उन्होंने ये भी किया जब वो बैठे थे ना लताशा एंड गैंग तो बार बार ना वो कहीं आप लोग जब मिलते हैं ये मैंने लिखा हुआ था वो जब आप सब साथ होते हैं मजा आता है इशारा था अली नताशा आप जब सब साथ में होते हैं तो होते है। I'm सब, I'm साथ, साथ। आप आ, जब साथ आ, होते हैं साथ को इशारा करके, तो मजा ये है। वीडियो। हाँ, ठीक ठीक है। है। तो मुझे अच्छी तरह याद मैंने लिखा हुआ स्पेशल फिर उन्होंने रोला डाला उमर ने के दो पूर्ण का के क्यों होता है। दो पोर्ट का तो मैं अकेला खा जाऊ चार पांच कहीं कहीं लेके जाना इतने सारे लोग सात पोर्ड का तो कम से कम होना चाहिए फिर किसी ने बीच में इसका दो या आगे भी बढ़ी डे ना उम्र तो ऐसे भी आपको डायन एक ही डायन

और जी तीस छत्तीस दिनों से जो बेटी की याद हाय मैं बेटी के लिए मर गया हाय भी नहीं। भी नहीं। वो बेटी बिचारी हाँ। वो, करी है, वो करी है उसको बेचारी हुए बातें की उसके ट्री साथ मतराई तो थी रही नहीं बस वो कहते कुछ लापरवाह से डैडीज नहीं होते अच्छा बस ठीक है ना बच्चे वो वाला इतनी टल बात है हाँ कि हम किसी चवली मार रहे चवली हैं मा, बट चवली मार रहे मारे हैं, ले, आप दिखा रहे हैं और आप लोग भी सुबह सुबह से आ रही हाँ। अच्छा हाँ, है पैंतीस दिन से बात हैं क्रेव हैं हाँ। वो एक, वा, दें। फा, फादर डॉटर हमें जुनेद में नजर आया ऑल्दो मुझे तो उधर भी थोड़ा थोड़ा फेक लगा था बट मुझे उसमें नजर आया मुझे अली में नजर आया रो रहे थे फिर नताशा ने कहा की मर्द नहीं रोते फिर निहा ने कहा मर्द क्यों नहीं रो तो सकते फिर ने कहा हम मर्द रो सकते मर्द को दुख नहीं होता मर्द को दर्द नहीं होता रो सकते हैं ठीक है यहाँ पे हमारी ये चीज खत्म हो गई Uh, सात तीन बज के तीन मिनट पे गिफ्ट खोल रहे थे फिजान गिफ्ट था टी शर्ट के ऊपर सबने अपने अपने हाथ लगाए हुए थे जैसे उन्होंने कहा ये इसका हाथ है ये उसका हाथ है ये मेरे भाई भाभी का ये मेरी उसका ये मेरे फलाने का ये भांचे भतीजे ये माह हम ये तो फ्लाने लागी लागी फ्लाने। का मैं हाथ नहीं देखा नहीं उन्होंने लगाया होगा ना हाथ उनका होगा अपशगुन है शायद मेरे भाई के लिए मेरा भाई जीत क्या

आप ग्रुपिंग नहीं करते आप कोशिश करते हैं कि रिडम्पशन पे आई हुई है ना आजकल अपने को भी आई हुई थी हां लेकिन को रिडीम कर रही है अफसोस <laughs> 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 आपको याद है वीना मलिक शिल्पा शेट्टी की नकल उतारती होती थी, थी उसमें आ, वो हम लगवाएंगे भी प्लीज वो हम लगवाएंगे मेरी बड़ी फेवरेट वीडियो है

15 मिनट डॉक्टर्स के लिए दो <laughs> हजार ऑर्थोपैडिक <laughs> डॉक्टर्स के लिए क्या गिरे हैं बोलो <laughs> चले टास्क बता दे आप टास्क ये था <laughs> कि झागो झाग और तिलकन वाली जगह थी कुछ समझ नहीं आई वो था क्या वेजलिन थी पेट्रोलियम जेली मेबी डिटर्जेंट शैम्पू लग रहा था कि सर्फ की जहाँ गया कुछ सॉलिड सॉलिड चीजें पड़ी हुई थी हुँ, हुँ, मोटी मोटी मतलब जैसे मतलब हाँ था ऐसा कुछ कुछ था साबनी साबनी हाँ। उसके ऊपर आपने चलना था और है <laughs> हाँ था सीन बहुत नहीं नहीं यार बड़ा बड़ा तिलक तिलक के है सारे नहीं, 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 पहले तो तो आए दानिश दानिश तो बड़ा दानिश को ने ना मुझे कुछ समझ नहीं आई पहले आपने कहा पंद्रह मिनट कर ले ये जो लेस मिनट मैंने नोट किया है आपके पास टाइम है अपने टाइम के साथ टास्क डिज़ाइन करें आप देखें कि कोई कितना तेज़ तेज़ चल सकता है उसके ऊपर कि हम उन्हें पंद्रह मिनट दें बीस मिनट दें फिर उस सॉरी टू लाइक दिस Sorry for this आपने कहा्र आप करना है हाँ। फिर उसके बाद अगर आपने पंद्रह मिनट में वो करना है तो फिर अपने जार के जो वो है स्केल्स वो है बढ़ा कर दें। वो कुछ बड़ा कर दे हिसाब से कर देता कर सकते हैं या वो मक्का बड़ा कर देते हैं हाँ। लेकिन नहीं जी

थोड़ा अब आप ठीक है आपको आपको बहुत बड़ा लाइसेंस मिल गया है आप एक साल दूसरा साल है आपका नाउ लाइक आफ्टर दिस इयर आप अपने टास्क को अभी से प्लान करना डिजाइन करें डिजाइन करें? करें और डिजाइन करके उनको प्रॉपरली उनके रूल्स बनाए यस uh, ओपन uh, रूल्स होते हैं बिग बॉस के घर में भी जिसमें आप अः uh, अपने हिसाब से मनोवर कर लेते हो हाँ। अपनी उस इंफॉर्मेशन को के इस कर, थार कर जाते हाँ, हो कभी कभी अपनी स्ट्रेटी कर लेते हो हाँ। लेकिन इस तरह के टास्क जिस बहुत क्लियर कट चीजें

और बादशाह को इज्जत नहीं हाँ, करता वो है ना बड़ा मजेदार कहती है वो हाँ, एक एपिसोड हम हाँ, देख रहे थे हाँ, दूसरी तीसरी हाँ, 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 तो उसमें वो टास्क बताने आए हाँ, बादशाह बाशा, तो बादशाह को टास्क समझना तो एंड में वो कहते जो फिर आपकी मर्जी हो वो कर लेना तो <laughs> तो तो वो जब जब भी मेरी भी मेरी फ्रेंड मेरे आती है न, तो हम जब उससे मेरी बात है ना हम उससे बात कहते हैं हाँ। है, तो अब अब इतने बड़े, इतने बड़े सीरियस तो स्केल 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 हो जाना हाँ, चाहिए हाँ, हाँ, हाँ। आप प्रैक्टिस करवा रहे लोगों से कितने देर में ये बंदा ये झाग से गुजरता है आपका क्या

थोड़ा थोड़ा जेंटल हो गई हां जी। थोड़ा मेंटल हो गई गई जी, जी। मेंटल सिंह का, अच्छा ठीक है। नो बज के तीन मिनट पे नताशा ने नेहा को कहा कि आप आटे वाले हाथ जगह जगह लगा देती है कल भी मैंने वो आटे वाले हाथ आपकी इधर से ही चिड़ शुरू हो जाती है ना इनकी चिक चिक, चिक चिक नेहा ने कहा नहीं मैं तो आटा धो के साफ करती हूँ अपने हाथ सारी चीजें साफ करती हूँ तो नताशा ने कहा कल भी मैंने दानिश से करवाए थे तो नताशा ने आ, नेहा कहती है कि कल तो मैंने आटा गूंदा ही नहीं उन्होंने कहा नहीं आपके पहले हाथ की जगह जगह पे लगे होते आटे वाले तो आटा गूंध के पहले हाथ धोया कर बिकुर छोड़ किया केयरफुल नेक्स्ट टाइम ठीक है ठीक है फिर नताशा कह रही थी उम्र से किराने अच्छा हो गया है ठीक है राणे जो है वो अब जिदबाजी नहीं करते जब से उनको सजा मिली है है जब से उनके साथ तो बहसों हुआ। हुआ। तो <laughs> अच्छा, में हुआ फिर आपको और अच्छा उमर ने बीच तलने की कोशिश की लच्छे वाले पराठे खाए देहा ने कहा कि मेरी वाली तकलीफ है ना। वाले खाएं। मतलब अच्छा इस एक बात बताओ तुम भी कुकिंग करते हो हैं लच्छा पराठा लच्छा पराठा लच्छा पराठा कितनी को देर लग जाती है एक वो वाला पेड़ा बनाने में और लच्छा पराठा बनाने में कितनी को देर लग जाती है अच्छा मैं अपने एक्सपीरियंस सच बताना बता हाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ डबल ट्रिपल टाइम लगता है मुझे मुझे जिस तरह के लच्छे में बनाता हूँ लच्छे के पराठे की भी दस बारह टाइप्स हैं वो इवेंचुअली आपने वही वाला ही बनाना है जिसमें एक कट लगा के वो यूँ रोल करके कुछ लोग ऐसे भी करते हैं नताशा ने वो नहीं किया था उसने कौन सा किया था नताशा ने वो किया था जो सबसे ज्यादा बेस्क है वो जो हाथ के ऊपर पेड़ा रख के उसको गोल घुमा के ऐसे आ, ऐसे करके सांप बना के सांप बना के बेल के उसको वो किया हा, हा, इस थीक पे बिल्कुल टाइम नहीं लगता बेसिकली अच्छा एक और बात बट मतलब जो मुझे इंफॉर्मेशन है या जो मेरी अपनी नॉलेज है पराठे और रोटी में फर्क ही हो होता है आ, कि जब आप रगा के रोटी में थोड़ा सा घी लगाएं थोड़ा खुशका लगाएं खुशका लगाएं फिर आप उसको बेसिक से करें या वो पराठा होता है जो मर्जी हो तरीका आपका जो हाँ, मर्जी हाँ, हो बल बनाने का या हाँ, जिस तरह से अंदर घी हाँ, लगा के हाँ, उसको हाँ, करने का। हाँ, हाँ, हाँ. आ, that, आप एक बनाए, उसको पराठा नहीं वो पराठा नहीं है पहले तो एक कंसेप्ट जरूरत है तो अब वो अगर कुछ माए अपनी बच्चे को सारी जिंदगी तली हुई रोटी पराठा खिला देती हैं

अब कहीं तो अपना कीड़ा खुश करना है ना <laughs> अपना कुकिंग का कीड़ा ठीक ठीक है है अच्छा, है, चले अच्छा खैर हाँ। तो आ, अच्छा फिर नेहा ने जा, जा के पर्सन टू तो पर्सन पूछा अच्छा नताशा ने, ने कहा कि लच्छे वाले बनाने हैं तो नेहा ने कहा मैं नहीं बना सकती पराठे मेरे ठीक होते हैं यहाँ पे आपने कल ही कहा था कि होटल तो नहीं है तो होटल तो नहीं है कि लोग फरमाइश करके खाना जो बनेगा वो सब खाएंगे जिस परताशा ने कहा कि नहीं ठीक है लच्छे वाला उसने कहा है तो पेड़े मैं बना लेती हूँ आप पराठे बनाना है यहाँ पे हत्थे से उखड़ गई

नहीं मैं नहीं कर सकती सॉरी फिर यहाँ पे जो है का हो गया नहीं यहाँ पे नताशा ने गलत ठीक हाँ, हाँ। है।, हाँ। है उसको बैठ के उसको काम डाउन करना यार एक बात ना बड़ी प्यारी पूरी उसमें ना अली सिकंदर ने की कभी कभी प्रेशर आपको नहीं पता होता आप किस प्रेशर में हो आप प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते ये होता है रियल लाइफ में भी होता है आप मजबूत से मजबूत इंसान भी कभी कभी इतना प्रेशर नहीं हैंडल कर है सर आप देखिए वो पिछले दिन में सोए नहीं थे एक मिनट के लिए भी हाँ हाँ। टास्क कर रहे थे हाँ। नींदे किसी की नहीं पूरी सिर्फ हाँ। नताशा की पूरी से हुई अगर आप वोलने वा वो वाला कितनी बेचारी पट्टों पे उनके बहुत चोटें लगी राने भी बहुत गिरे गोडे के ऊपर उन्होंने लगाए हुए थे वो प्रोटेक्टर लेकिन उनके पाँच जगह होंगे और वो ये तीन ही गिरे राने नेहा नेहा और जुनेद ठीक है तो अच्छा खैर कमिंग बैक नेहा ने कहा कि मैं इतनी इज्जत करती हूँ और आप मुझे जेल की धमकियाँ दे रही हैं तो दिस इज़ नॉट गुड आप बार बार जेल की धमकियाँ दे रही हैं और सारा कुछ कर रही हैं ठीक है नताशा ने बेल दिए सारे कुछ चेंजिंग रूम में भी इनकी लड़ाई इनकी ये तकरीबन लड़ाई ना को आधा घंटा घंटा तो आराम से चली होगी जिसमें नताशा बजिद थी कि आप बाहर आके अपना काम करें नेहा जो थी वो कह रही थी कि आप आराम से बात कर लें आराम से तहुल से बात कर लें जिसमें नताशा टॉन्टली कह रही थी तशरीफ ले आए तशरीफ ले आए टॉन्टली ये नहीं होता है ना ली मजे का नहीं बेटा अब तो तुम जेल ही जाओगी हाँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है डाल दो जेल मुझे जेल चले गई ये तकरीबन एक डेढ़ बजे फिर उन्होंने जेल में जाके कैमरे में से बात की

ठीक है हाँ। अच्छा फैजान ने डेढ़ बजे आके समझाया अच्छा फिर नेहा ने ना फलांग लिया ना जेल तोड़ के फरार हो गई ठीक है उल्लंघन किया इन्होंने जी जी जी, जी। आ, जो है बिग बॉस हाउस का सॉरी तमाशा हाउस का उल्लंघन किया निकल गई उधर सारे हैरान ये कहाँ से आई ये कैसे आ गई ये ब्ला 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 डेढ़ बजे फैजान उनको समझाया ये गलत है चाहे जो भी यहाँ पे फैजान का सांस बिल्कुल ठीक था क्योंकि वो थोड़ा बहुत इन चीज़ों को समझते हैं जी। उन्होंने कहा कि ये जेल जो है ये बादशाह की जेल है ये नताशा की जेल नहीं है तो आपने नताशा को वायलेट नहीं किया आपने बादशाह के रूल को वायलेट किया तो बादशाह आपको इसकी सजा देंगे जिस पर नेहा रोने लग गई उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं दोबारा जेल में चले जाऊँगी नेहा ने कहा कि मुझे जेल में डाल दी नताशा ने कहा नहीं अब तो आपको बादशाह ही देखेंगे फिर सबके कहने पर दोबारा नेहा नताशा ने नेहा को जेल में डाल दिया जेल में चले गई ठीक है फिर अरुबाई एक और, लेके, हाँ, अपनी तरफ से बना के कि ये आपको इस्तेमाल कर रही थी ये कह रही है मुझे इस्तेमाल करती नहीं अपनी वजारत में अब क्योंकि खत्म हो रही है तो मेरा किसी काम की नहीं तो मुझे जेल में डाल दिया ब्ला, 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 जो भी है उन्होंने भी जल्दी पे तेल का काम किया ठीक है चार बज के बीस मिनट पर वसीम अक्रम आगे एक मिनट में कहनी थी उल्लंघन उल्लंघन उन्होंने किया ठीक है Uh, sometimes आपको का हाँ। बाद में होता है, तो उसने अपनी गलतियों हाँ। <laughs> <दुख हूँ अगे। laughs> के थी वैसे <laughs> 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 अच्छा खैर है। अच्छा है। <laughs> अच्छा <है>। हाँ। <laughs> फिर वसीम अकरम ने अपनी बातें की कौन नेगेटिव है कौन फलाना है कौन फलाना है उन्होंने कहा की नकल उतारे जुनेर ने अपनी तरह से बादशाह की नकल उतारी

नहीं रहने से अच्छा ठीक <coughs> फिर ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे जब तुम ऐसे ऐसे नखरे दिखाओगे <coughs> अच्छा सॉरी करें <laughs> <laughs> थोड़ा सा तो थो होना चाहिए प्रदर्शन अच्छा चलो ठीक है

वो सीक्रेट वाला टास्क देते हो हाँ। तो आप उनको एक एज दे देते हो मुझे वो एक जिसमें आप एक सिंगल बंदे को कोई एज देते हो ना मुझे ऐसे टास्क नहीं पसंद आपनेीक्रेट टास्क दिए एक अंबर को दिया, था, हाँ। एक, आ, जुनेद को? जुनेद को दिया था एक नताशा को दिया था हाँ। उसमें सब में जो इनिशियटिव था उनको वो पर्सन मिलना था चाय मिलेगी उसकी सबके लिए बाकी सब वाले उसमें ये था मुझे ऐसे वाले टास्क हरगेज नहीं पसंद इस तरह के टास्क जैसे दानिश को कहा के जेल की रखवाली करो तुम्हें हवापूर का नाश्ता देंगे ठीक है अब ये कहना चाह रहे हैं कि सबको सबको बेनिफिट बेनिफिट होना सब चाहिए को फिर, होना चाहिए आप बढ़ चढ़ वह, हाँ, 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 तो हाँ, तो हाँ, के अपना तो कोई इनपुट नहीं है वो नताशा नहीं बोलेगी उसने नहीं बोली उसके लुखाड़ा डाल दो वो नहीं बोलेगी टिल एडी चोटी का जोर लगा दिया सबने इवन बेचारी नेहा गिरते गिरते बची वो सोफे से वो, लगा वो बड़ा प्यारा सीन था वो नताशा के पास बैठी हुई है उस सोफे के ऊपर लेटने वाले सोफे के ऊपर उनको मना रही है मना रही है बोलने पर मजबूर कर रही है नताशा उठ के चले गई पीछे सकने लगी तो वो भी गुबा लेकिन नताशा नहीं बोली उन्होंने कहा ना मैं तो मैं क्या uh, क्या कहते हैं hmm. कच्चा कड़ा चिकना गड़ा चिकना कड़ा कहते हैं शायद जो पिछले का नहीं उस तरह का कुछ लफ्ज़ यूज़ करते हैं पंजाबी में कच्चा गड़ा पक्का गड़ा होगा फिर वो तो पता नहीं कोई होगा गड़ा।, हो गड़ा, गड़ा ही होगा कोई ठीक है जी फिर सात बजे के दस मिनट पर बादशाह आ गए उन्होंने कहा कि नेहा जो है वो कप्तानी की रेस से बाहर हैं चूंकि उन्होंने उल्लंघन किया है बादशाह के घर का जेल टापा है उन्होंने थोड़ी सी जजनिश उन्होंने नताशा की भी की कि आपने गलत किया है कल जब आप परसों कि होटल नहीं है तो सबको वही मिलेगा जो बनेगा तो फिर आपने यहाँ पे नेहा को क्यों कहा कि आप जो है वो लच्छे वाले पराठे बनाए और ये करें और वो करें आपने भी यहाँ पे गलत था, आपने थोड़ा सा तो फिर आप आ, दिखाया है तो और अब आपकी सजा ये है कि अगला पूरा हफ्ता नाश्ता सबको बना के आप देंगी ठीक है ये हो गया रानी एंड मिशेल जो है वो आ, आ, अपने अपने घरों को प्यारे हो गए ठीक है तमाशा घर से निकल के अपने अपने गरों, अपने घरों घर गर गर वालों के लिए प्यारे हाँ, हो के, हाँ, हाँ, अपने घर वालों को प्यारे हो गए हाँ. नेहा बहुत रोई मिशेल को गले लगा लगा के नेहा का ना मैंने देखा दो दिन से ना दिल बहुत उदास हुआ हुआ है वो निकलना चाहती है यहाँ से जाना चाहती है भेज देते उसको बेचारी को बट शी इज माई फेवरेट माइंड वोट उसी को गया है इस दफा ठीक है जी फिर वजारत का टास्क आ गया जी बाजार के टास्क में बादशाह ने कहा कि जो नाहे हैं नेहा हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती <laughs> तो उसी नताशा ने आके सोरी की नेहा से कि सोरी हम शुरू से ही ऐसे अच्छे तरीके से रहे हैं तो नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं, नहीं। वो तो नेहा प्यारा था लड़कियों का उन्होंने जप्फी डाल ली उन्होंने उसे को वो किया अच्छा जी टास्क क्या था ये वाला वो 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 पता नहीं क्या संभालो संभालो हाँ। बचाओ, बचाओ। लगाने लगाने थे हाँ, नो हाँ। लगाने थे से चल के जाना था और टेबल पे था और आके कहना मैं हूं अगला वजीर वजीर तो वो बन गए अब इस टास्क में भी आ जाओ ना अब आप रस्सी ऐसे नहीं लेके हाँ, जा सकते हाँ। नहीं ऐसे लेके उसके बाद सब वो रस्सी वैसे लेके जा रहे है कोई रूल्स नहीं कोई वो नहीं हालांकि अदनान बैठे भी है वही

और देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जुनेद को वजारत से निकाल भी दिया जाए मुझे से फील ही आ रही है क्योंकि आगे जाके बहुत सारे डिसीजन ऐसे वो ले सकते हैं जिनमें आपको वो नजर आए पारशालिटी पार्शलिटी नज़र आए, आ, पार्षालिती, पार्षालिती हाँ, हाँ, नज़र आए और आपको पता है कि समटाइम्स जब आ, कोई वजीर पार्शल डिसीजन लेता है जैसे उम्र ने लिए थे तो उनकी वजारत को वो ख़त्म कर दिया था

अगर उमर अरूबा में होना है तो अरूबा। हाँ ठीक है इकरा साले कहती है नेहा इज डिजर्विंग एंड दिल की साफ ओकेट yes. yes. तो हाँ। अच्छा जी टोटल आर्मी लाइव कहती हैं जैसे फिजान की इमेज बचाई जा रही है ऐसे अरूबा की क्यों नहीं बचाई गई इतना ईवल कर दिया उसको जब से उसकी बेटी आई है उसकी इमेज डिस्ट्रॉय हो गई है हाँ ठीक है अच्छा ये एक टोटल आर्मी लाइफ का मैसेज है अरसलान ये ना आ, हाँ। ये वो जो बचपन में नहीं कहते जे बी ए में एम ए में होता है कि ढाई सौ लफाज के ऊपर मज़मून लिखना है तो ये उन्होंने छः सौ लाज पे मजमून लिखा है इसको पढ़ने के लिए मुझे थोड़ी सीमत चाहिए टोटल आर्मी लाइफ है बहुत लंबा कमेंट है पड़े, पड़े। अरुबा का इमेज खराब करने के लिए ये सारा ड्रामा क्रिएट किया गया अरुबा को वोट भी ज़्यादा मिल रहे थे पहले उसकी बेटी को भेजा उससे तारीफें करवाई गई जिससे जाहिर है अरुबा ओवर पावर हो गई उस वजह से उस वक्त अरुबा ट्रेंडिंग पे भी जा रही थी जब उसकी बेटी नहीं समझता नेक्स्ट फिर वीक फिर उसकी क्लास नहीं लगती ठीक है उसके बाद ग्रुप स्टार्ट हुआ फैजान ही अरूबा को तीरी लगाता था अरुबा का इमेज जानबूझकर खराब किया राणे और मिशेल ने जाना था ग्रुप वैसे ही वीक हो जाता है उससे पहले माहम को भेज दिया माहम ने क्लियरली uh, कहा ये ग्रुप नहीं वहां जाओ ये लोग तुम्हारे दोस्त नहीं है माहम को भी फीड करवा के भेजा गया जी देन जेल में डाला गया अरुबा मिशेल को क्योंकि गेम आना था उसमें सेफ होना था अरुबा और मिशेल को सेफ करवाना ही नहीं था मिशेल को बिना वजह uh, जेल भेजा वो सेफ uh, अगर ना भेजा जाता वो सेफ हो जाती अरुबा से भी टास्क नहीं करवाया नहीं तो मेरी बात सुने तो अरुबा

ब्लैक ब्लैक uh, हो गया तो ये चैनल सोच रहा है ना हाँ। ये चैनल सोच रहा है عوام को पता है कौन नेगेटिव हाँ। है कौन नेगेटिव नहीं है टोटल प्लांटेड चल रहा है अरुबा को डाउन कर दिया फैजान गॉसिप्स में आ गया अरुबा को फैजान ने ही चलाया है जैसे ग्रुप बनवाया वैसे ही खत्म भी करवा दिया ये चलाया वाला सबसे गलत है टोटल आर्मी आपने ऐसे बड़ा अच्छा लिखा अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं आपकी इस लाइन में नंबर काट देता <laughs> बहुत ही ज़ूम आनी अल्फाज़ के है जी रुबा ने ही फिज़ान को चलाया है सोचो चलना चलाना हाँ, हाँ। <coughs> नेक्स्ट अच्छा जी आप हाँ, श्रीले कहते हैं आई बिकेम हैप्पी व्हेन अरुबा वन द बर्गर गेम बस फिज़ान को निकालो किसी भी तरह से प्लीज ही स्टिल नेगेटिव ओ चिप्स वाला कमेंट साढ़े तीन साढ़े चार खाने हैं हेल वेरी ब्लो पूरे एआरवाई ने फिजान फैमिली लगी हुई है फिजान की फेक पॉजिटिविटी प्रमोशन में झूठ hmm. मूठ की फेक बर्थडे करके फिजान की वाइफ की एंट्री झूठ मूठ की नहीं थी <laughs> उसकी सच में है टू बी ऑनेस्ट बिग बॉस को बहुत देर में जाके समझा कि ये सब प्लांटेड है और जस्ट फॉर द मोमेंट वाला रियलिटी शो है बट तमाशा को मैं तो सीजन टू में ही पता चल गया कि ये कितना प्लांटेड एंड फेक रियलिटी शो है हैश टैग तमाशा इज फेक हैश फिजान इज फेक ओके ठीक है जी ये ये हम चला देंगे आपका हैशटैग। अच्छा। टोटल <laughs> में लाइव कहती हैं। अजय दिल ने सी <laughs> अच्छा। <देगे देगे laughs> अली ने जबरदस्त मिमिक्री की उम्र की पता नहीं वो क्यों नहीं दिखाया वो उसमें होगा तो, बिलाड़ पुनेद हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। ने अली भाई के बच्चों को मुखातिब करके कहा की आपके बाबा लूजर है वोट ये नहीं ये लाइफ फीड है तो बताए अगर सॉरी एपिसोड में नहीं वो नहीं था मुझे इंस्टाग्राम पे और उसका टाइम भी बता दें हाँ, हाँ, इंस्टा हराम पे बता दें इंस्टा हराम पे <laughs> 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 अच्छा जी बुशरा बुशरा नाज नाज कहती हैं उमर की एक्टिंग जबरदस्त थी यस मैंने भी ये कहा था कोई माना ही नहीं ठीक है सलमान जी कहते हैं फैजान एक्चुअली हिज अकल ए कुल सब कुछ उसे पता है वो सबका प्यो बनता है हेट हिम लिटरली ओके सलमान अच्छा वीक का कमाल है सलमान फिर कहते हैं तमाशा में तमाशे नहीं हो रहे ऐसे लग रहा है वो घर घर खेल रहे हैं ऑल थैंक्स टू को बताया कि उन्हें फुफी, बहुत पीक पर जा रहा है उसको कंट्रोल किया अच्छा जी फिर से ट्रदी राय कहती है सॉरी ग्रुप इजम मस्ट है ऐसे शो में एक को कोई कुछ कुछ कहेगा पूरा ग्रुप अगेंस्ट हो जाएगा इट्स कॉमन जी। सब आ, सब स्क्रिप्टेड है ग्रुप भी बादशाह ने ही बनवाया था बादशाह की तरफ से अनाउंसमेंट होती है सब ग्रुप आने के आ, साथ बैठ जाएं फिर ये डाइनिंग टेबल पे ग्रुप बन के बैठे ताकि नजर आने इनका बोन मिक्री वाले टास्क में फैजान ने मामा मना कर दिया था मैं नहीं करूँगा मिक्री मेरी तैयारी नहीं है ठीक है ओके okay। अच्छा जी सलमान कहते हैं फिर से यार नेहा नताशा उमर और दानिश घर से कोई नहीं आए अभी तक आई फील सैड फॉर हिम आएंगे सेम। अच्छा जी टोटल आर्मी राइम ने इनको जवाब दिया है <laughs> ये तुम जानबूझ के अब कह रहे हो मैंने कहा था रिप्लाइज नहीं पढ़ने होते मैं <laughs> पढूंगा अच्छा पढ़ो फिर हमारा माइंड डायवर्ट किया जा रहा है जिनके फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उसकी जर्नी ही स्ट्रांग कहलाएगी जिनके फैमिली से बात हुई वो कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया से कांटेक्ट में आ गए जी ठीक है जी हुआ, फिर आ गया फिर टोटल आर्मी लाइफ है चलो पढ़ो अब तीन सौ लफमून है गॉड फिर आर की इमेज को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा ये मेकर्स की टीम की स्ट्रेटजी होती है किसी को लाइमलाइट में लाना किसी को ट्रेंडिंग में रखना एजाज <laughs> अच्छा, भी फर्क नहीं पड़ेगा बहस हो रही है वजह कोई भी हो फिजान पे बातें हो रही हैं बस यही तो पॉपुलैरिटी है सेम यही बिग बॉस में होता है ये साइकोलॉजी साइकोलॉजिकली खेल रहे हैं जितना कॉन्ट्रोवर्शियल होगा उतनी ही रेटिंग रहेगी वरना ये पागल थे क्या अनकड में सब दिखा दिया फिजान टोटल स्क्रिप्ट पे चल रहा है अब माहम पे भी रख दी जाएगी कि वो आई थी उसने समझाया तभी फिजान में चेंज आया जब फिजान फैमिली से मिल रहा था उसके फेस पे पॉजिटिविटी काइंडनेस नजर नहीं आ रही थी आ रही थी कहा उन्होंने अच्छा मुझे, अच्छा मुझे नहीं आ रही थी अब मुझे नहीं आ रही थी दे जस्ट प्ले विद आवर माइंड्स आगे कभी प्लान रेडी किया होगा फिजान की इमेज बचाने के लिए जी जी लास्ट वीक में रियल विनर से हमारा फोकस हटाया गया हुआ कोई भी अब तक कंफर्म नहीं है विनर कौन होगा यहाँ तक इनकी आ, है बनाएंगे मुझे अब अब बहुत फील हो रहा है। चले मैं आपके आगे नहीं नहीं कोई मसला अच्छा नहीं थोड़े थोड़ी थो, सी जीनियस बर्डीज कह रही है जबरदस्त एनर्जी है आप लोगों की ऊपर से सोने पे सुहागा आपके चैनल से दो दो प्रोग्राम आज देखने को मिले आप कहा गायबा प्लीज अपनी तबीयत का बताएं आपकी तबीयत पिछले दिनों खराब थी अरसलान खान आप भी नेक्स्ट तमाशा घर में पार्टिसिपेट करें आई थिंक आप दूसरी डोली पे ये बात मैंने नहीं, नहीं लाइक की और <laughs> 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 दूसरी टोली भी इतना होगी फ्रॉम पाकिस्तान कि द गुड आपने इसलिए कहा था आप ये कमेंट पड़ेगी आप ये स्किप करना चाहते थे <laughs> पार्ट <नहीं, नहीं। laughs> अच्छा जी कुक विद का, का अच्छा कायनात के नाम चेंज होते हैं माय डोली बिंद्र नो no, यू आर नॉट क्या हूं मैं श्वेता तिवारी दबाओ अच्छा <laughs> <laughs> खांसी करवा दिया तुम लोगों ने विद कायनात कहते किप इट अप गाइस कायनात के नाम चेंज होते रहते हैं जब इनका तेरे भी आया था इनका नाम कना यु, सम हो गया था <laughs> <laughs> अब ये <laughs> कुक <कितनी> विद <laughs> अच्छा कायनात अब क्या पकाती है मेरी बहन प्लीज मेरे साथ अपनी रेसिपी जरूर अपना मैं आपका चैनल पर देखूंगा

अच्छा जी एमी खान कहती आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट रिव्यू बिकॉज लास्ट नाइट एपिसोड आ गया आ गया आबिद हुसैन कह रहे हैं जबरदस्त बहुत शुक्रिया आपका अच्छा जी अमार समथिंग कहते हैं आई डोंट थिंक बिग बॉस में ऐसा नहीं होता स्टैंड को एस के ने ये बहुत सारा बार, पे तुम्हें समझ नहीं आएगी बोला कंटेंट दो आ, इसका नाम क्या है इनका नाम है अमार अमार ये कमेंट को थोड़ाट करके को ये मैंने कुछ चार दो ये सीजन के हिसाब से उन्होंने बताया समझ नहीं आई प्रियांक और अंकित को तो फैंस के मैसेज भी दिखाए गए वीकेंड का वार में हर प्लेयर को प्रॉपर डायरेक्शन और गाइडेंस दी जाती हाँ। है ठीक तो है उसके बाद क्या उसके पास खत्म

कि ये कामचोर है काम नहीं करती, आ, काम काम हाँ। नहीं करती मुझे का, करना पड़ता है इसका एंड रूबा प्राउडली एडमिटेड के मुझे काम करना नहीं आता वाह आयशा भट्ट है नाइशो बहुत शुक्रिया गो टू लाइफ कहते हैं ओनली एंटरटेनमेंट हाउस इज नाउ दानिश भाई आई होप ही द शो ही डिजर्व टू विन कभी किसी गलत एक्टिविटी में नहीं है हर टास्क में विन करते हैं और पॉजिटिविटी बहुत है बाय द वे यू आर राइट अब ये सीजन बहुत बोरिंग हो गया है और लगता है कि सबको स्क्रिप्ट मिल गई है

चलें परमिशन ले आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा इस तरह के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे और मून को दीजिए इजाजत अल्लाह अब लगेगा तमाशा <laughs>